आज के इस वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 17 प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के लिए जो आपका कार्यपत्रक नंबर 17 है इसे सॉल्व करेंगे। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के आपको सभी प्रश्नों के आंसर्स बताए जाएंगे। दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको लिंग के आधार पर मैच करना है, कुछ इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक दिया गया है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं जो आपको दिया है। देखिए जैसे धोबी को मिलाया गया है धोबिन से, वैसे ही हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट हमें दिए हैं, मोर, मोर को हम मैच करेंगे मोरनी से। ऊँट हमें दिया है, ऊँट को मैच करेंगे ऊँटनी से। और इसके बाद में मुर्गा आपको दिया है, इसे हम मुर्गी से मैच कर लेंगे। छात्र दिया है, छात्र को आप मैच करोगे छात्रा से। और पति को मैच करना है पत्नी से। बकरा को मैच करेंगे बकरी से। बालक को मैच करेंगे बालिका से। अब ये आप कर लेंगे। इसके बाद में एक और हमें दिया है सेकंड साइड में, तो माता को मैच करेंगे पिता से। गायिका को मैच करेंगे गायक से। देवी को मैच करेंगे देव, देवता से। सैनी को मैच करेंगे शेर से। बुढ़िया को मैच करेंगे बूढ़ा से। बेटी को मैच करना है बेटा से। और कवित्री का आपका होगा कवि। इसके बाद में महोदय का आपका होगा महोदय। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आपको प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो देखिए लिंग अगर आपको बोला जाए बताने को, तो यहाँ पर सम्राट दिया है, सम्राट का है आपका पुल्लिंग। और नानी आपको दिया है, नानी का है स्त्रीलिंग। अब कोआ आपको दिया है, कोआ का आपको क्या होगा पुल्लिंग। कोआ की जगह पर आपका कोयल होता या कुछ होता तो फिर आपका स्त्रीलिंग होता। जैसे कि इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कोआ उड़ रहा है, तो हमने रहा है का प्रयोग करा, मतलब ये क्या है पुल्लिंग है। और इसी की जगह अगर कोयल होती तो फिर हम क्या कहते, कोयल उड़ रही है, तो ये क्या होता स्त्रीलिंग होता। ठीक है, रहा है मतलब पुल्लिंग है और रही है मतलब स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट आपको दिया है नदी, तो नदी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, नदी बह रही है, रही है का प्रयोग किया, इसलिए क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग आ जाएगा। अब नदी की जगह अगर आप तालाब होता तो हम क्या पुल्लिंग लिखते, तालाब में पानी भरा है, भरा है का प्रयोग करते। ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग कविता का आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग, कविता गा रही है का प्रयोग आ जाएगा, कविता खा रही है का प्रयोग आ जाएगा। कविता की जगह रमेश होगा तो क्या आ जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि रमेश खा रहा है, रहा है और रही है, ये दो चीज़ें हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब सोमवार का आपको आ जाएगा पुल्लिंग, हाथी का भी पुल्लिंग, हाथी की जगह हथनी होता तो स्त्रीलिंग आता, हिमालय का पुल्लिंग आ जाएगा, मोहिनी का स्त्रीलिंग आएगा, कोयल का आपका स्त्रीलिंग आएगा। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन का रिक्त स्थान पूरा करना है। इसमें देखिए आपको वर और वधु सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं, गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करता है, वर का वधु किया, पुत्री का पुत्र किया, गाय का बैल किया। मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में हमने चेंज किया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हमने चेंज किया। अब ये जो कार्यपत्रक है आपका सॉल्व हो चुका है।
इसके बाद हम कार्यपत्रक नंबर 18 अगर आप देखना चाहते हैं इसके उत्तर, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का। वेबसाइट पर आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।